आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। यूसीसी का तीर निकला कमान से। यूसीसी की अग्नि परीक्षा नई संसद में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश की जनता के सामने जोरदार अंदाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इरादे साफ कर दिए थे। एक सदस्य के लिए एक कानून हो। साफ है कि 17 जुलाई से आगामी मॉनसून सत्र में जैसे ही यूसीसी पर चर्चा होने की सुगबुगाहट तेज हुई, विपक्षियों ने भी यूसीसी पर अपना अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया। खास बात यह है कि विरोधियों को लग रहा है कि बीजेपी 2024 साधने के लिए यूसीसी का तीर अपने कमान से निकाल चुकी है। यूसीसी इस देश की जरूरत नहीं है, यूसीसी बीजेपी की जरूरत है। आप सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए, और आपको लगता है कि 9 साल में आपने कोई काम नहीं किया, यूसीसी आपके लिए सत्ता की एक सीढ़ी हो सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके से मुद्दे ढूंढते हैं, इसी तरीके से प्रचार करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, न करना है न कर हो पाएगा, लेकिन इस तरीके की बातें आएंगी। मुसलमानों का शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए, और इसको इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। यहाँ फारूक अब्दुल्ला तूफान आने की बात कर रहे हैं, तो वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यूसीसी की वकालत करते हुए इसके फायदे गिनाए हैं। What the law seeks to achieve, uniformity of justice. If there is a dispute, they go to the courts. Then court cannot take a view that you are Hindu, therefore this is how you will be dealt with. You are a Muslim, you will be treated differently. You are a Christian, you will be treated differently. You are Buddhist, you are treated differently. कांग्रेस यूसीसी पर बनी कमेटी को घेरते हुए सवाल कर रही है कि क्या सुशील मोदी सियासी मकसद पूरा करने के लिए ये बैठक कर रहे हैं। सुशील मोदी ने भी पलटवार किया है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो उस आनंद मैरिज एक्ट का क्या औचित्य होगा? और भारत के कानून में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सही, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का औचित्य क्या है? इसका उस कमेटी की बैठक से कोई संबंध नहीं है। ये जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है, इसके अधिकार क्षेत्र में आता है पर्सनल लॉज पर विचार करना। इसलिए लॉ कमीशन का जो कंसल्टेशन पेपर है, जो विमर्श पत्र है, उस पर कमेटी विचार करेगी। आपको बता दें कि सुशील मोदी की अध्यक्षता में यूसीसी पर 3 जुलाई को चर्चा होनी है। माना जा रहा है कि देश की नई संसद में मॉनसून सत्र पहले की तरह ही हंगामेदार भी हो सकता है, क्योंकि सरकार ने यूसीसी को लेकर अपना तुरुप का इक्का चल दिया है। उत्तराखंड में भी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। यहाँ करीब 2.5 लाख लोगों से राय ली गई थी, जिसके बाद ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार के पास भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि लॉ कमीशन ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बनाने पर 14 जुलाई तक आम जन की राय मांगी है। सवाल है कि क्या राजनीति के चलते एक देश एक विधान को लेकर देश में नए सिरे से हंगामा होगा, या फिर विपक्षी एकता में टूट पड़ेगी। रिपोर्ट, Zee Media। Zee News।